देखो ये जो रिपोर्ट मैं लिखवा रहा हूँ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट है ऑन ब्लड डोनेशन कैंप, ऑन ब्लड डोनेशन कैंप। अब देखो ध्यान रखना इस चीज़ को, या तो मतलब आप टॉपिक का जो प्रथम अक्षर है उसे बड़ा लिखो, या फिर पूरे को ही आप कैपिटल लेटर में लिखो, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर इसके बाद अपन लिखते हैं कि भाई किसने लिखी, तो भाई भाई समीर रिपोर्टर है, किसी का भी नाम लिख सकते हो अगर उसमें नहीं आया हो तो। फिर वही कहाँ की रिपोर्ट है, जैसे बांदीकुई की है तो बांदीकुई लिख दिया अपन ने, बांदीकुई कितनी तारीख की है, मान लो 19 सितंबर की है, ठीक है। इसके बाद अपन को रिपोर्ट लिखना शुरू करना है। लाइक प्रीवियस ईयर्स दिस ईयर्स टू बालिका एवीएम स्कूल बांदीकुई सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे विद ग्रेट पंप एंड शो। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पंप एंड शो का मतलब बड़ी धूम और धाम से। वन ऑफ द मैन फीचर, जो मैन फीचर्स ऑफ द फंक्शन वाज ब्लड डोनेशन कैंप। द फंक्शन द फंक्शन स्टार्टेड एट 9 AM विद फ्लैग होस्टिंग बाय द प्रिंसिपल। After that, we performed
मैनी, कलरफुल, कल्चरल प्रोग्राम्स, अगर आप टॉपिक थोड़ा सा मतलब लाइन चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, उसे क्या है अच्छा भी लगता है और वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम्स एंडेड एट 11 AM, 11 कर दो चाहे 12 कर दो, ठीक है। द ब्लड डोनेशन, द ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रिंसिपल motivated us, for blood donation, अगले पेज में ले रहा हूँ। ही सेड दैट, या कह सकते हो द प्रिंसिपल सेड दैट ब्लड डोनेशन कैन हेल्प ए डाइंग पर्सन, मैन शुड हेल्प मैन, ही वाज द फर्स्ट टू डोनेट हिज ब्लड। एप्रोसिएट या फिर एप्रोसीमेटली कर लो आप, एप्रोसीमेटली ट्वेंटी, जो ये अप्रोक्सीमेटली शब्द है
वो उसकी जगह आप अबाउट भी ले सकते हो, अबाउट लगभग, इसका अर्थ है लगभग। तो 20 टीचर्स एंड सम स्टूडेंट्स डोनेटेड देयर ब्लड इन द कैंप। इट वॉज द वेरी प्रीसियस डे। इन आवर आवर्स लाइफ, लास्ट में आपको वही थैंक यू देना है। तो इस प्रकार रहेगा ऑन ब्लड डोनेशन कैंप, सिंपल है। रिपोर्ट ब्लड डोनेशन कैंप पर है, उसके बाद किसने ये रिपोर्ट लिखी है उसका नाम लिखना है, स्थान लिखना है और डेट लिखनी है। प्रीवियस ईयर्स, पिछले वर्षों की तरह दिस ईयर, इस वर्ष भी बालिका एवीएम स्कूल बांदीकुई में सेलिब्रेटेड मनाया गया इंडिपेंडेंस डे विद ग्रेट पंप एंड शो, स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूम और धाम से। वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द फंक्शन वाज ब्लड डोनेशन कैंप। जो इस उत्सव का जो महत्वपूर्ण जो विषय था वो था रक्तदान शिविर। द फंक्शन स्टार्टेड एट 9 AM विद फ्लैग होस्टिंग। जो फंक्शन था वो शुरू हुआ लगभग सुबह 9 बजे फ्लैग होस्टिंग, झंडा लहराकर बाय द प्रिंसिपल, किसके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा। आफ्टर दैट, इसके बाद वी परफॉर्म्ड मैनी कलरफुल कल्चरल प्रोग्राम्स। इसके बाद हमने प्रस्तुत किए बहुत सारे रंगीन सांस्कृतिक प्रोग्राम। आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम्स एंडेड एट 12 AM, लगभग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की समाप्ति के बाद लगभग कितनी बजे, 12 बजे, 12 बजे तो PM हो जाएगा, PM कर लेना इसको, है ना। द ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड। रक्तदान जो शिविर था वो आयोजित हुआ किसके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा। उन्होंने मोटिवेटेड अस, हमें प्रेरित किया ब्लड डोनेशन रक्तदान के लिए। द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा दैट कि ब्लड डोनेशन कैन हेल्प ए डाइंग पर्सन, कि जो रक्तदान है वो एक मरते हुए व्यक्ति की सहायता कर सकता है। मैन शुड हेल्प मैन, व्यक्ति को व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। ही वाज द फर्स्ट टू डोनेट हिज ब्लड, वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना खून दान किया, रक्त दान किया। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसको आप अबाउट भी ले सकते हो, ठीक है। अबाउट 20 टीचर्स एंड सम स्टूडेंट्स, लगभग 20 अध्यापक और कुछ विद्यार्थियों ने डोनेटेड देयर ब्लड इन द कैंप, उनके रक्त को शिविर में दान किया। इट वॉज द वेरी प्रीसियस डे, यह बहुत मूल्यवान दिन था। इन आवर्स लाइफ, हमारे जीवन में। लास्ट में आपको वही थैंक यू लिखना है, ठीक है। इस प्रकार ये आपकी रिपोर्ट है और इम्पोर्टेंट है।